तो दोस्तों, अगर आपका ईस्ट फेसिंग हाउस है, मान लीजिए आपका ईस्ट फेसिंग हाउस है, यहाँ पे ये गली है बाहर, और आपने किसी भी कारण से या पहले यहाँ पे इस साइड में अगर कोई भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक या किसी भी तरह के पानी की व्यवस्था कर रखी है, तो आप उसे यहाँ से हटा दें। क्योंकि दोस्तों, ये साउथ ईस्ट का कॉर्नर अग्निकोण आता है। अगर आप यहाँ पे पानी की व्यवस्था करेंगे किसी भी तरह का, अगर आपने अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना रखा है, क्योंकि काफ़ी दोस्त क्या होते हैं, जैसे ही मकान है, मकान के सामने यहाँ पे एक अंडरग्राउंड है जो वाटर टैंक बना देते हैं, वो बहुत ही ख़राब होता है। या फिर आप यहाँ पे ओवरहेड वाटर टैंक रख देते हैं, किसी भी तरह की पानी की सप्लाई आप यहाँ पे कर देते हैं आग्नेयकोण में, तो ये आपके लिए बहुत ही ख़राब होता है, जिससे आपको जो आपका लिक्विड कैश होता है उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आने लगती हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है, शॉप है, तो आपकी जो पेमेंट है वो रुकने लग जाती है। तो आप यहाँ से जो पानी का आपने एरिया बना रखा है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक या ओवरहेड वाटर टैंक, आप उसको हटा के आप यहाँ पे इसे नॉर्थ वाली साइड शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने किसी ने बना रखा है, तो आप इस चीज़ को यहाँ से हटा दें, ये बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो आपको हमेशा ही आपके बिजनेस में, शॉप में या आपकी जॉब में लिक्विड कैश में परेशानियाँ आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।